बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक नई जॉब अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरर के जॉब्स का ऐलान किया गया। उसके तमाम तो तफसीलात कि कौन कौन से लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बैंक फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्टें अनाउंस की गई हैं, और लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलें वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्टों की। इन जॉब्स के ऊपर पूरे पाकिस्तान से जस्ट मर्द हजरात इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 है। इवन इन लेक्चरर जॉब्स का पे स्केल 17 है। टोटल 11 सब्जेक्ट्स के अंदर लेक्चरर के जॉब्स का ऐलान किया गया है। उसके अंदर इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 47 है। अगर हम इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके मास्टर डिग्री होना लाजमी है। एज लिमिट की बात करें तो 22 से लेकर 33 साल, जबकि इसकी बैंक फीस की बात करें तो 300 रुपए इसकी बैंक फीस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दिया है, वहां से आपने चालान फॉर्म को डाउनलोड करना है। 300 रुपए आपने किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच के अंदर पे करना है। इसके बाद आपने उस रसीद की पिक बना के अपने पास रख लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया, आपने वहां पे क्लिक करना तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे क्लिक करके आप इन जॉब्स के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 फरवरी 2022 है। इवन मजीद मालूमात या रहनुमाई के लिए आप कमिट भी कर सकते हैं और मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपने इश्यूज बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मजीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें।